आज हम एमसीएन समाचार की तरफ से खैसर कॉलोनी में मौजूद है और आज हमारे साथ है फेरोज भाई और इनके वालिद साहब की मज़ार यहाँ के कब्रिस्तान में कुछ 40 दिन पहले तकफीम हो चुकी थी और इन्होंने दो बार इनके वालिद साहब की मज़ार को रिपेयर किया। इसके बावजूद भी यहाँ के इनके जो स्टोन रखा गया था सराहने से, उस स्टोन को दो बार यहाँ के कमेटी के लोगों ने तोड़ दिया। आइए हम इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं इस ताल्लुक़ से। मेरा नाम सैयद फ़िरोज़ है। हमने 20वें पे अब्बू के ना हमारे कड़प पे वो लगाए थे और कमेटी के सदर जो है जावेद खान उनसे पूछ के लगाए थे और जावेद खान साहब ने हमारे को बोले थे कि तुम लगाओ, बोले इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने आके लगाए करे और उन नाम की तख्ती पे सब में पहले कुरान शरीफ की आयत थी, तुम कितना भी तोड़ने का चाहे तो तोड़ लो और उस पर कुरान शरीफ की आयत थी और तोड़ने से पहले हमको बोलना था, तुम तोड़ नहीं सकते, तुम उसको तुम निकाल के साइड में रख दो। यहाँ के जिम्मेदारों को बोले तो हमको नहीं मालूम, किसको नहीं मालूम, एक बार जान दो बोले। हमने अभी केंद्र साहब के पास जाके कंप्लेन करे जिनसी में। अभी हमको PI साहब से उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष को सुनेंगे और हमारे फैसला सुनाएंगे हमारे हक में। आपने किन किन लोगों के नाम लिखा है FIR में? जावेद खान है, मुजीब खान है और अब्दुल हफीज साहब है, उनके बेटे वो सब, उन्हें पूरी फैमिली यहाँ पे आके दादागिरी हो रही है। अभी हमने 40 दिन हो गए, हमारा 40 दिन के बाद और तोड़ डाले, अभी तीसरा ही दिन है आके, अभी और कड़प पे हमारे PI ने साहब ने बोले थे, केंद्र साहब ने बोले थे तुम जाओ बनाओ और जावेद खान साहब ने बोले थे हमारे गवाह इसका तुम बना लो जाके, अभी तीसरा दिन है फिर तोड़ डाले उन्होंने आके। मैं सैयदा हुमा फातिमा, ये यहाँ पे मीनारा मस्जिद में मेरे वालिद साहब को रखा गया था, लेकिन 40 दिन के अंदर इन्होंने मेरे वालिद साहब की 2-3 वक्त कब्र को तोड़े। मैंने इसकी कंप्लेन पुलिस कमिश्नर, आयोग कमिश्नर, तीनों को कमिश्नर को दी थी, जिसका प्रस्ताव जिनसे पुलिस स्टेशन में आया, लेकिन सर ने 3-4 वक्त ये लोगों को बुलाए कमेटी के, लेकिन ये लोग कानून क्या है, ये लोगों को कोई मतलब नहीं है इससे, ये सिर्फ अपनी दादागिरी यहाँ पर कर रहे और यहाँ पर जो अवैध धंधे चलते गांजा कि वो इस पाक मुकद्दस जगह को इन्होंने नापाक करके रखे हुए और सिर्फ मुसलमान के लेबल पे ये एक बदनाम कर रहे हैं मस्जिद को ये, और ये अपनी गुंडागर्दी छुपाने के वास्ते बड़े बड़े नेताओं से जिनसी में पुलिस स्टेशन में फ़ोन करने लगा रहे। इनकी नज़र में कानून क्या है कुछ नहीं, जबकि जिनसी के पुलिस कमिश्नर अपने PSI सर ने बोले कि इस पूरे कमेटी आओ, लेकिन ये लोग कोई भी कानून को मानने को तैयार नहीं है। बार बार ये मेरे वालिद साहब की कब्र को तोड़े, बार बार बेअदबी कर रहे, उस पर कुरान शरीफ